गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट, मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 की मैथ की क्लास रहेगी, जिसके अंदर अपनी 12.3 है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर देखो, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है फर्स्ट, क्वेश्चन के अंदर दिया है यदि m इक्वल टू, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी m की वैल्यू दी हुई 2 और उसके ऊपर बाकी जो वैल्यू दी हुई है उसका अपने को मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट के अंदर दिया है m इक्वल में 2, यानी जो m की वैल्यू है वो कितनी है 2। इसके अंदर फर्स्ट है m माइनस में 2, m माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस में 2 वैल्यू आ जाएगी 0। यानी m की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 2, m की जगह आ जाएगा 2, फिर माइनस में 2, 2 माइनस 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। उसके बाद है सेकेंड है 3m माइनस में 5, इसके अंदर हो जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 3 × 2 माइनस में 5, 3 × 2 6 माइनस 5 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 1। उसके बाद है थर्ड के अंदर दिया है 9 माइनस में 5m, m की वैल्यू है इसके अंदर 2, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस में 5 × 2 9 माइनस में 10 वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर माइनस में 1। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 4, उसके अंदर दिया है 3m की इसके माइनस में 2m और माइनस में 7, इसके अंदर दिया है m की वैल्यू दी है 2, तो इसके अंदर अपने क्या है, तो m की वैल्यू 2 है वो अपने पुट करेंगे, तो यहां हो जाएगा 3 × 2 की और उसके माइनस में 2, 3 × 2 माइनस में 7, यहां हो जाएगा 3 × 4 माइनस 4 माइनस में 7, यहां हो जाएगा 12 माइनस में 11 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर प्लस 1। उसके बाद है 5 के अंदर दिया 5m अपॉन में 2 और माइनस में है 4, इसके अंदर आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 × 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा माइनस में 4, यहां जाएगा 5 माइनस 4 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 1। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट कंप्लीट, जिसके अंदर ऑप्शन 5 दिए थे वो हो जाएगी आपके कंप्लीट। इसके अंदर दोबारा देखो, a टू m की वैल्यू कितनी दी है 2, यानी m का मान या m की वैल्यू दी हुई है 2। अगर m की वैल्यू 2 दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन है m माइनस में 2, तो m की अगर 2 है तो 2 माइनस 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी m माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसके बाद है सेकंड 3m माइनस 5, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 3m माइनस में 5, m की जगह कितना आ जाएगा 2, 3 × 2 माइनस में 5, 3 × 2 हो जाएगा 6, माइनस 5 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। उसके बाद है थर्ड 9 माइनस 5m, तो यहाँ जाएगा 9 माइनस 5 × 2 9 माइनस में 10 वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। उसके बाद है फोर 3m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में 7, यहाँ m की जगह क्या आ जाएगा 2 की और उसके फिर आ जाएगा 2 माइनस में 7, यहाँ यहाँ रहेगी 4 और यहाँ देंगे 3, 3 × 4 आ जाएगी 12, और यहाँ 4 और 7 आ जाएगी माइनस की 11, वैल्यू आ जाएगी यहाँ प्लस 1। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 5, 5 के अंदर हो जाएगा 5m अपॉन 2 माइनस में 4, यहाँ रहेगा 5, m की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 1। ये आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया है यदि p = -2 है
है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी के की वैल्यू दी है वो माइनस में है टू। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, पे इक्वल में माइनस में टू, जो पे की वैल्यू दी है वो है माइनस टू। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फोर पे प्लस में सेवन, तो इसके अंदर हो जाएगा जो p है p की वैल्यू क्या है माइनस टू, तो यहाँ जाएगा p फोर इंटू माइनस टू प्लस में सेवन, यहाँ जाएगा माइनस की एट प्लस में सेवन, वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर माइनस में वन। उसके बाद है सेकेंड, सेकेंड दिया है इसके अंदर माइनस में थ्री p की इसके प्लस में फोर p और प्लस में सेवन, तो इसके अंदर हो जाएगा माइनस के थ्री, के की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो यहाँ जाएगा माइनस टू की उसके प्लस में फोर माइनस टू प्लस में सेवन, और यहाँ हो जाएंगे माइनस के थ्री इंटू फोर और माइनस का एट प्लस में सेवन, माइनस में बारह माइनस में एट प्लस में सेवन, यहाँ हो जाएंगे माइनस में ट्वेंटी प्लस में सेवन, वैल्यू आ जाएगी माइनस में थर्टी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट। इसके अंदर एक थर्ड ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। दोबारा देखो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर टू के अंदर एक तो पी की वैल्यू दी है माइनस में टू और वैल्यू फाइंड करनी है फोर पी प्लस में सेवन की, और सेकंड में माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस में सेवन। तो इसके अंदर देखो क्या है कि पी की वैल्यू कितनी है माइनस टू, यहाँ रहेगा माइनस टू, उसके बाद फोर और माइनस टू की वैल्यू दी है माइनस एट प्लस सेवन, वैल्यू आ जाएगा माइनस में वन। उसके बाद सेकंड के अंदर p² - 2k² उसके बाद p की वैल्यू 2, तो यहां हो जाएगा -12 और -8 -20 प्लस में 7, वैल्यू आ जाएगा -13। अब देखो इसके अंदर सेकंड के तीन ऑप्शन है जिसमें से फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिए, तो थर्ड ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। क्वेश्चन नंबर है थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर दिया हुआ है ए टू एक्स की वैल्यू दी है माइनस में वन, जो एक्स का मान है वो कितना है माइनस वन। फर्स्ट के अंदर दिया टू एक्स माइनस में सेवन, इसके अंदर देखो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहां तो टू रहेगा, जो एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो यहाँ जाएगा टू माइनस वन और माइनस का सेवन, यहाँ जाएगी माइनस की टू और माइनस का सेवन, वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर माइनस की नाइन। फिर है इसके अंदर सेकंड, सेकंड दिया है माइनस एक्स प्लस में टू, इसके अंदर क्या हो जाएगा जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस वन प्लस में टू। अब देखो इसके अंदर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वन और प्लस में टू, वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर थ्री। उसके बाद है थर्ड, थर्ड के अंदर दिया हुआ है एक्स के प्लस में टू एक्स प्लस में वन, इसके अंदर एक्स की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वन के उसके प्लस में टू माइनस वन प्लस में वन। अब देखो इसके अंदर जो माइनस वन की उसके हो जाएगा प्लस वन माइनस टू और यहाँ हो जाएगा प्लस वन, इसके अंदर क्या हो जाएगी प्लस वन और प्लस वन हो जाएगी प्लस के टू और माइनस टू, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी जीरो। यानी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका फर्स्ट का तो आंसर आ जाएगा माइनस नाइन, सेकंड का आ जाएगा थ्री और थर्ड का आ जाएगा शून्य। उसके बाद जो थर्ड का फोर्थ नंबर है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में और क्वेश्चन नंबर थ्री क्या हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है फोर, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर दिया है ए की वैल्यू दी है टू और बी की वैल्यू है माइनस में टू, यानी ए
का मान है वो तो है प्लस टू और b की वैल्यू माइनस टू। इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है a की स्केल प्लस में b की स्केल। आप देखो इसके अंदर जो a की वैल्यू कितनी है टू और b की वैल्यू कितनी है माइनस टू। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा टू की स्केल प्लस में माइनस टू की स्केल, यहाँ जाएगा प्लस फोर और प्लस फोर वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस की ए, यानी ए स्केल प्लस बी स्केल की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए। उसके बाद है सेकंड, सेकंड के अंदर है ए की स्केल प्लस बी, ए बी प्लस बी स्केल, इसके अंदर हो जाएगा ए स्केल, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो यहाँ हो जाएगा टू के स्केल प्लस टू और माइनस के टू प्लस बी माइनस टू की स्केल। इसके अंदर क्या रहेगा टू के स्केल फोर माइनस फोर प्लस में आ जाएगा फोर, तो यहाँ आ जाएगी एट माइनस फोर वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस की फोर, यानी ए स्केल प्लस बी स्केल प्लस में सॉरी ए स्केल प्लस में ए बी प्लस में बी स्केल की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस फोर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर है जो उसका थर्ड है ए स्केल माइनस में बी स्केल, ए स्केल माइनस में बी स्केल। आप देखो जो इसकी वैल्यू है इसके अंदर पुट करेंगे ए की वैल्यू कितनी है टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो यहाँ जाएगा टू के स्केल माइनस टू के स्केल, यहाँ जाएगा फोर माइनस फोर वैल्यू कितनी आ जाएगी शून्य यानी कि जीरो आ जाएगी। ये आप जो देख क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव के अंदर दिया है ए की वैल्यू शून्य बी की वैल्यू माइनस वन, तो दिए विभेदकों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है फाइव, इसके अंदर दिया है ए की वैल्यू है शून्य और बी की वैल्यू दी हुई है माइनस में वन। फर्स्ट दिया है इसके अंदर टू ए प्लस में टू बी, इसके अंदर देखो टू ए की वैल्यू कितनी है जीरो, यहाँ टू इंटू जीरो प्लस टू इंटू माइनस में वन, यहाँ हो जाएगी जीरो माइनस टू वैल्यू आ जाएगी माइनस की टू। उसके बाद है सेकंड, सेकंड के अंदर हो जाएगा टू ए स्केल प्लस में बी स्केल प्लस में वन, यहाँ जाएगा टू ए की वैल्यू जीरो, ए जीरो के स्केल प्लस बी की वैल्यू माइनस वन स्केल प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस वन और प्लस का वन वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर प्लस के टू। ये हो जाएगा आपका फाइव नंबर जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद जो इसके थर्ड और फोर्थ है वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान या x की वैल्यू कितनी है टू। पहले तो इसको सरल यानी सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू कितनी दी है टू, यानी जो x का मान है वो कितना दिया है टू। इसके अंदर देखो फर्स्ट के अंदर एक्स प्लस में सेवन प्लस में फोर एक्स माइनस में फाइव। अब देखो पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू रखते इसका मान ज्ञात करेंगे। इसके अंदर जाएगा एक्स प्लस में सेवन प्लस फोर और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर एक्स और फोर और माइनस फाइव का हो जाएगा ट्वेंटी, यहां हो जाएगी एक्स और फोर एक्स फाइव एक्स और यहाँ हो जाएगी माइनस में थर्टीन। अब देखो अपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, अब जो इसके अंदर एक्स की वैल्यू है वो अपने देखेंगे कितनी दी हुई है टू दी हुई है, तो यहाँ हो जाएगा फाइव इंटू टू माइनस में थर्टीन, यहाँ हो जाएगा टेन माइनस थर्टीन वैल्यू आ जाएगी माइनस में थ्री, यानी एक्स प्लस सेवन प्लस में फोर ग्रेट एक्स माइनस फाइव है,
इसके अंदर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3। उसके बाद है सेकेंड, सेकेंड के अंदर दिया है 3x प्लस 2 प्लस में 5x माइनस में 7। अब जो ये क्वेश्चन दिया है पहले तो इसका क्या करेंगे सिंपल या सिंप्लीफिकेशन। अब देखो 3 का पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 3x, 3 का 2 के साथ 6 प्लस में 5x माइनस में 7। 3x और 5 देंगे 8x और 7 ये हो जाएगा माइनस 1। अब x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां आ जाएगा x इक्वल टू, तो यहां आ जाएगा 8 * 2 माइनस 1, यहां आ जाएगा 16 माइनस 1, वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 15। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि अपने को पहले तो क्या करना है सिंप्लीफिकेशन यानी सरल करना है, उसके बाद x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, उसके बाद उस पे जो भी मान दिया वो ज्ञात करना है। अगर पहले अपने सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 13 और x की वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो यहां आएगा 10 माइनस 13 वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3। उसके बाद उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहां आएगा 8x माइनस 1 x वैल्यू 2 फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिया, जो बचे हुए ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया है a टू x की वैल्यू दी है 3 और सेकंड है a की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू दी है माइनस में 2। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3x माइनस 5 माइनस x प्लस में 9 और इसको भी क्या है पहले सिंपल यानी सरल करना है या सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद x की वैल्यू 3 a की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू माइनस 2 इसके अंदर पुट करनी है। यहां देखो इसके अंदर ये दिया 3x और ये क्या है माइनस का x, तो यहां लेंगे 2x, फिर यहां प्लस का 9 है माइनस का 5 है, यहां लेंगे प्लस की 4। अब देखो उसके अंदर x की वैल्यू कितनी दी 3, तो यहां लेंगे 2 * 3 प्लस में 4, यहां हो जाएगा 6 प्लस में 4 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 10। उसके बाद है सेकंड, सेकंड के अंदर दिया हुआ है 2 माइनस में 8x प्लस में 4x प्लस में क्या है 4। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 और 4 हो जाएंगे 6x और माइनस का हो जाएगा 4x, सो ये यहाँ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 6, 2 और 4 6 हो जाएगा, 8 में सिर्फ 4 जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 * 3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस में 12 माइनस का आ जाएगा 6। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैंने आपको दो ऑप्शन करवा दिए, जो बचे हुए ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में और आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या देगा कंप्लीट। आज देखो अपनी मैथ की क्लास थी कक्षा 7 की, जिसके अंदर एक्सरसाइज 12.3 है उसके अपने साथ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए थे, तो आज की क्लास को अपने समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उनको अपने कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।